एक्चुअली। नमस्कार दोस्तों, मैं इस वक्त हार्वर्ड लॉ स्कूल की इमारत, लाइब्रेरी की इमारत के बाहर खड़ा हूँ और इस लाइब्रेरी के 200 साल हो गए हैं। अमेरिका के बॉस्टन शहर में ये हार्वर्ड लॉ स्कूल है और यहाँ पर 10 फरवरी को मैं बोलने के लिए आया हूँ हार्वर्ड कैनेडी स्कूल में सुबह 8 बजे। तो अगर आप इस मुल्क में कहीं रहते हैं और आने की स्थिति में हैं तो प्लीज़ आइए, टिकट भी कटा लीजिएगा। और बेसिकली जो हम सब का व्यक्तिगत तजुर्बा है अपने अपने पेशे में काम करते हुए, मैं तो उसी पर ही बोलूँगा। थोड़ी बात कड़वी होगी लेकिन जो मेरा नज़रिया है उसे तो मैं बोल के ही जाऊंगा, वरना यूं ही 20 घंटे जहाज में बैठ के मैं इसलिए नहीं आया हूं कि यहां मैं जलेबियां बनाऊंगा, क्योंकि वहां आपको पकौड़े अच्छे नहीं लग रहे हैं। एक बात मैं अपने जो भी मुस्तक देख रहा है, मैं यही सोच रहा हूं कि मैं जब आया तो प्रतीक से यही कहा था कि मुझे अमरीका में कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं है, अगर आप मुझे लाइब्रेरी दिखा सकें तो मैं समझूंगा कि मैं किस्मत वाला हूं, क्योंकि 27 सीरीज करने के बाद यूनिवर्सिटी पे मुझे लगता है कि हमारे मुल्क के रहनुमाओं ने, जिनको आप नेता कहते हैं, दो लेटर का शब्द है, उन लोगों ने ठीक ठाक बेवकूफ बनाया है और हम भी बेवकूफ बने हैं। उन्होंने इस लेवल का हमें बेवकूफ बनाया है कि बहुत हिम्मत के साथ आके कह जाते हैं कि 250 करोड़ में हम कोई वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट बनाएंगे और एक फर्जी तरीके से वो रेटिंग वेटिंग होता रहता है हमारे यहाँ। लेकिन जो लाइब्रेरी मैंने देखी है, आप कल्पना नहीं कर सकते कि जिस अमेरिका से हम ये सीखते हैं कि इसने खाने पीने की संस्कृति के नाम पे सब कुछ ख़त्म कर दिया है, उसने अपने लॉ स्कूल के लिए इतनी खूबसूरत लाइब्रेरी बनाई है, आप कल्पना नहीं कर सकते। आप सोच नहीं सकते कि आपकी ज़रूरत के हिसाब से हर चीज़ यहाँ पर मौजूद है और प्रतीक बता रहे थे कि हर वो किताब जो आपको अभी चाहिए, इसी वक्त चाहिए, हाजिर कर दी जाती है। तो आप यूं समझिए कि एक विश्व स्तरीय संस्थान बनाने के लिए जो संस्कृतियां चाहिए वो हमारे यहाँ नहीं है। हमारे पास एक त्रिमूर्ति लाइब्रेरी थी, कोलकाता की नेशनल लाइब्रेरी थी, उन सब की हालत आप जानते हैं कि बहुत खराब।